दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वर्डप्रेस में सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट आप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को लाइव दिखलाने वाला हूं। वीडियो लंबी होगी क्योंकि ये डिजाइनिंग का है, तो एक घंटा तक आपकी ये वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे, कहीं पर वीडियो स्किप करेंगे तो आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं, परफेक्टली डिजाइन करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिव रहे, सब मोबाइल फ्रेंडली रहे, तो आप लोग वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सारी चीज़ें हम आप लोग को सिखा देंगे इस वीडियो में। बाकी कुछ मेजर जैसे कि डिजाइन तो हम कर देंगे, लेकिन एडिशनल कुछ फीचर जो उसमें ऐड करना होगा हम एक एक वीडियो लाया करेंगे, ठीक है। तो अभी हम डिजाइन करना आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप लोग वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आप लोग को बताते हैं कैसे वेबसाइट डिजाइन करना है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं एक सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट आप लोगों को कैसे डिजाइन करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का हम वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आप लोग को बताने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप ये सीख जाएंगे तो सरकारी रिजल्ट हुआ, चाहे सरकारी जॉब फाइंड हुआ, चाहे जो भी वेबसाइट है वो, चाहे सरकारी रिजल्ट इन्फो हुआ, उसके जैसा वेबसाइट आप बहुत ही आसानी से डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो बस सीखना एक है, बाकी आप मल्टीपल पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना कोई भी प्लगिंग वगैरह नहीं हमारे इस वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इंस्टॉल है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी अभी हमने इसको डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों बाई किए हैं। एक महीने के लिए हमने बाई किया है, केवल आप लोगों को ट्यूटोरियल बनाकर बताने के लिए कैसे आप लोगों को वेबसाइट डिजाइन करना, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को अपीयरेंस पे क्लिक करना है। अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तीन थीम यहाँ पे इंस्टॉल है, तो अभी हम इसको डिलीट करेंगे। सिंपल सा हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ना इस पर क्लिक करके हम इसको सबको यहाँ से ना हम डिलीट करेंगे, इसे भी हम डिलीट करेंगे। उसके बाद देखिए ये थीम अभी डिलीट नहीं होगा, जब एक्स्ट्रा थीम कोई यहाँ पे इंस्टॉल होगा तभी आप डिलीट कर पाएंगे। सिंपल सा हम ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको पॉपुलर पे क्लिक करना, बाकी आप किसी थीम पे भी चाहे जिस पे चाहे उस पे आप डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पे अगर आप करते हैं तो ये लाइट थीम है, बहुत ही अच्छा स्पीड वगैरह इसका रहता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे इस थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद इस वाले पे यहाँ पे जो 2021 करके, इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा के थीम पे हम डिजाइन करने वाले हैं। बाकी हम पहले ही बता चुके हैं आप किसी भी थीम पे डिजाइन कर सकते हैं। देखिए अभी हम फ्री वाले पे केवल डिजाइन करना बता रहे हैं। यहाँ पे प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको पॉपुलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कुछ जो इम्पॉर्टेंट है प्लगिंग है वही केवल इंस्टॉल करके आप लोग को बताने वाले हैं कैसे डिजाइन करना। सिंपल सा आपको एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे क्लासिक एडिटर को भी आपको इंस्टॉल करना है, इस पर क्लिक कर देना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके चलना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस एडिटर टूल, इसको आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि पोस्ट वगैरह लिखने के लिए सरकारी रिजल्ट जैसा आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे डुप्लीकेट पेज का भी आपको यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल करना है, इसलिए इसको इंस्टॉल करना है कि आप लोग पोस्ट जब लिखते हैं तो कुछ कंटेंट रहता है, जैसे टेबल वगैरह एक ही बार बना लेंगे तो केवल डुप्लीकेट कर देंगे, आप उस पर अगला पोस्ट भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके बाद और हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट हेडर एंड फूटर, इसको भी आप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसको भी ज़रूरत आप लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ेगी भविष्य में भी। तो बस अभी हम इतना इंस्टॉल करते हैं, बाकी जैसे जैसे जिसकी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इंस्टॉल करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक योस्ट SEO प्लगिंग है, दूसरा आपका रैंक मैथ होता है, दोनों से कोई भी आप ये यूज कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यही इसी टॉपिक पर हम एक वीडियो बनाएंगे तो वही 15-20 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो अभी हम डिजाइनिंग वाले पर केवल हम बताने वाले हैं आप लोग को। अब देखिए हम यहाँ से चलेंगे, देखिए इंस्टॉल प्लगिंग पे हम क्लिक करेंगे, जितने हम प्लगिंग इंस्टॉल किए हैं सबको हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे बल्क में हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नहीं, इसको हम एक यहाँ पे चेक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेट पे हम क्लिक करेंगे, बल्क में सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, सबके सब प्लगिंग हमारे एक ही बार एक्टिवेट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सभी प्लगिंग एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए एलिमेंटर प्रो कह रहा है, तो अभी हम प्रो पे नहीं जाएंगे, अभी हम फ्री पे केवल काम करना बता रहे हैं हम, अब बाकी हम प्रो पे भी बताएंगे, तो अभी केवल आप लोगों को डिजाइन करना इसी पे हम बता रहे हैं। सिंपल सा हम यहाँ पे पेजेस पे चलेंगे, पेजेस पे हम क्लिक करेंगे, ये सबको जितने भी होंगे सबको हम यहाँ पे डिलीट पहले करेंगे, इसको भी हम डिलीट करेंगे, इसे भी हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे ट्रेस में चलेंगे हम, सबको यहाँ पे बल्क में हम इसको बल्क में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर
करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा डिलीट हो गया, हम दोबारा सा पेज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से ना हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं इन सबको, यहाँ पे देखिए ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए अब बात आपका यहीं से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको किस कितने पेजेस है, जैसे कि रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब, इन सब के पेजेस चाहिए। देखिए इंजीनियरिंग जॉब, बैंक जॉब, एडमिशन, ये सब पेजेस आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे पेज आपको क्रिएट करना है। पेज जैसे कि यहाँ पे हम रिजल्ट, यहाँ पे हम पहला रिजल्ट यहाँ पे हम क्रिएट कर ले रहे हैं रिजल्ट के नाम से। यहाँ पे देखिए रिजल्ट हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे देखिए हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक पेज हमारा क्रिएट हो गया रिजल्ट का। अब यहाँ पे हम दोबारा से हम बैक चलेंगे, यहाँ पे देखिए हम बैक यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम पेजेस पे क्लिक करते हैं ताकि देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्रिएट हो गया। अब हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अब इसी तरीके से हम लेटेस्ट जॉब का भी हम यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं पेज। इसी तरीके से जितने पेज आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रहता है आपका एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब, आपका रिजल्ट, जो भी आंसर की वगैरह रहे, जितने आप पेज क्रिएट करना मतलब जो भी ऑप्शन यहाँ पे रखना चाहते हैं, ये सब आपको एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो सब आपको जल्दी जल्दी इसी तरीके से पेजेस क्रिएट कर लेना। हम लेटेस्ट जॉब का यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे ऐड न्यू पे हम फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम इस बार हम एडमिट कार्ड का हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे सभी पेजेस क्रिएट कर लिए, हम पेज पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड, आंसर की, सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, लेटेस्ट जॉब, यहाँ पे रिजल्ट। एक पेज आपको और क्रिएट करना है, वो रहेगा होम लैंडिंग पेज, जो ये पेज आपको दिखाई देता है इस तरीके का। ये इस पेज को डिजाइन करने के लिए आपको एक और यहाँ पे होम करके आपको क्रिएट कर लेना है। चाहे तो आप सरकारी नाम भी दे सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो आप जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे होम देखिए हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे हम साइड बार में नो साइड बार हम सेलेक्ट करेंगे, कस्टम लेआउट में यहाँ पे बॉक्स हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे देखिए जो इसका टाइटल है उसको हम डिसेबल यहाँ से कर देंगे और इसको हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा क्रिएट हो गया, ये होम का भी। अब देखिए आपका यहाँ तक काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, बस इतना काम हुआ अभी। आप यहाँ पे हम वेबसाइट प्रीव्यू करके दिखाएं तो आप लोग देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे नहीं, सो केवल यहाँ पे एडमिट कार्ड, आंसर की वगैरह, ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हम इसका हेडर भी डिजाइन करना सीखेंगे, अभी एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम चलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे अपीयरेंस पे आना है, आपको यहाँ पे मेनू पे क्लिक करना है। जैसे मेनू पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपका शो हो रहा ना एडमिट कार्ड, आंसर की, सर्टिफिकेट, होम, इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, ये सब के सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मेनू क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको मेनू का नाम देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया हेडर, हम हेडर ना देके यहाँ पे हमने प्राइमरी मेनू दिया है। अब यहाँ पे हमने प्राइमरी मेनू दिया, यहाँ पे हम प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑफ कैनवस मेनू भी, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। बस यहाँ पे हम दो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट मेनू पे क्लिक कर देंगे। तो एक मेनू हमारा देखिए क्रिएट यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब देखिए आपको एक और क्रिएट करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू मेनू पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे हम फूटर मेनू यहाँ पे हम रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने फूटर मेनू हम क्रिएट कर लिए, देखिए यहाँ पे हमने फुटर मेनू रख लिया। यहाँ पे फुटर मेनू आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दो मेनू क्रिएट किया, एक हो गया हमारा प्राइमरी मेनू, दूसरा हो गया हमारा फुटर मेनू। फुटर मेनू में हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, इसको हम दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फुटर मेनू यहाँ पे सेलेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी मेनू, यहाँ पे ऑफ कैनवस हमने कर लिया, सेव पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फुटर मेनू भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए आपका काम तो यहाँ तक समाप्त अभी हुआ है, अभी पूरा काम नहीं समाप्त हुआ। सिंपल सा आपको प्राइमरी मेनू सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड, स्टडी मटेरियल, यहाँ पे अगर आप एडमिट कार्ड वगैरह रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए अभी ये शो नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं शो रहा है क्योंकि हमने दो मेनू क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे प्राइमरी हम सेलेक्ट किए हैं, प्राइमरी मेनू यहाँ पे सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेनू आ गया। प्राइमरी मेनू में हमको क्या क्या रखना है वो चीज़ें मैटर करती है, वो चीज़ें यहाँ पे हमको लगाना है हेडर में। तो देखिए हम यहाँ से ना होम पहला हम रखेंगे, दूसरा हम यहाँ पे आंसर की रख लेते हैं, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, ये हम रखना चाहते हैं इतना। और ये रखने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड टू मेनू पे हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे हम ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, ये सक्सेसफुली यहाँ पे देखिए अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे चलेंगे वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जो जो चीज़ हमने ऐड किया था, जैसे कि होम, आंसर की, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। सिंपल सा हम क्या करेंगे, होम पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे हेडर पहले डिजाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने होम पे क्लिक किया, अब हम क्या करेंगे, कस्टमाइज पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपकी ओपन होगी।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोर ऑप्शन अवेलेबल इन एक्स्ट्रा प्रो, तो अभी हम एक्स्ट्रा प्रो पे नहीं जाएंगे, केवल और केवल अभी जो फ्री वर्जन के साथ हम काम करना यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको हेडर बोल्डर पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए किस टाइप का हमको बनाना है, ये हम आप लोग को पहले एक बार यहाँ से एक एक चीज़ें देखते चलेंगे और हेडर डिज़ाइन पहले हम करेंगे। हेडर किसको बोलते हैं ये आप लोग देख लीजिए, देखिए जो ये इतना पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग हेडर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हेडर कहते हैं, हम एक एक चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगो लगाएंगे, लोगो लगाने के लिए क्या करना है, देखिए सब कुछ यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव हमने कर दिया। यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लोगो और ये जो नाम है ऊपर साइड को है, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन में देखिए यहाँ तीन लेयर हैं, तो इस पर हम पहले हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको लोगो लगाना था, यहाँ प्लस पे क्लिक, देखिए सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक किए, यहाँ साइट टाइटल है लोगो हमने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए साइट का टाइटल आ रहा है, तो इस पर हम सिंपल सा क्लिक करेंगे, देखिए ये ओपन हो गया। सिलेक्ट लोगो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक, और जहाँ पे भी आपका लोगो हो उसको सिलेक्ट इसे करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए हमारे केस में यहाँ पे लोगो है, तो हम सिंपल सा इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है, क्रॉप करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग पे हम क्लिक कर देंगे, ये देखिए लोगो यहाँ पे लग गया है। अब देखिए यहाँ पे साइट टाइटल का नाम, यहाँ पे डोमेन नेम डायरेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे आप कोई नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, पहले लोगो है उसके बाद यहाँ पे नाम वगैरह इधर साइट को है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये तो हमारा हो गया। अब कलर क्या रखना है, ये वाला कलर रखना है, तो जिस साइट का आप कलर रखना चाहते हैं उस पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर देखिए इसको सेलेक्ट करिएगा, इस पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर देखिए एक कलर पीकर आ जाएगा कोई भी, तो यहाँ पर लाइएगा इसे, इस तरीके से कलर का कोड आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिए हम कलर का कोड कॉपी कर लिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कलर इसमें फिल करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ डिजाइन पे आपको क्लिक करना है और देखना बैकग्राउंड कलर कहाँ पे है, देखिए बॉटम बॉर्डर कलर है, ये बैकग्राउंड कलर, इस पर क्लिक करना है। अब ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, मल्टी कलर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस तरीके से ना ग्रेडियंट भी रख सकते हैं अपने अनुसार, तो हम ग्रेडियंट नहीं रखेंगे, एक सिंपल कलर रखेंगे, कलर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कोड हमने कॉपी किया था यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा दें, ये कलर पे हम क्लिक करेंगे, वही कोड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, देखिए हमने वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऑटोमेटिक ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। आप कलर मैच करा सकते हैं, सेम कलर है ये, मतलब थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर नहीं है, एकदम एग्जैक्ट कलर यहाँ पे आग फिल हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अभी इसका जो टेक्स्ट कलर है ये कुछ ब्लैक है, इसको हमें वाइट करना है या इसको हम मूव यहाँ पे हाइड कर देना है, साइड पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से हाइड कर देना है, देखिए यहीं पे लिखते हैं, तो इसको यहाँ से हम रिमूव भी कर देंगे तब भी वहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको हाइड कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अमित टाइप इंजीनियरिंग, देखिए हम वो कलर यहाँ पे चूज कर लिए थे इसलिए यहाँ पे हाइड हो गया है, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे अमित टाइप इंजीनियरिंग www.ato.in, ये हमको मान लीजिए यहाँ पे टाइप करना, आपके जो भी आपके डोमेन नेम वगैरह हो, नाम वगैरह अपने साइट के रखें वो यहाँ पे फिलअप करें, जैसे कि यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे HTML हम फर्स्ट कर लेते हैं। HTML फर्स्ट करने के बाद देखते हैं सारी चीज़ें, सिंपल सा हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे अमित टेक इंजीनियरिंग, इस तरीके से देखिए हम अमित टेक इंजीनियरिंग यहाँ पे टाइप कर दिए, इसका हम फॉन्ट करेंगे थोड़ा बड़ा, इसको हम करते हैं 30, यहाँ पे देखते हैं कितना इतना बड़ा हुआ। अब यहाँ पे इसका कलर हम कर देंगे वाइट, यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे वाइट, देखिए यहाँ पे अमित टाइप इंजीनियरिंग आ गया। अब इसको हम करेंगे बोल्ड इस तरीके से, देखिए ये बोल्ड भी हो गया है, ठीक है। अब इसके नीचे हमें क्या लगाना, देखिए यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि वाइट हमने कलर रख लिया है, तो इसको हम नीचे एक बार इस तरीके से इंटर दबाएंगे, अब इसी के नीचे हम कर देंगे www.ateo.in या अपने डोमेन नेम, आप कोई भी जो भी डोमेन नेम हो वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। ये भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो हम इसको सेंटर में करेंगे और इसका भी हम कलर कर देंगे वाइट ताकि विजिबल हो, देखिए यहाँ पे अमित टेक इंजीनियरिंग विजिबल हो रहा है। इसका भी हम फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, हम 24 इसको कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे बोल्ड। एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो गैपिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा डिज़ाइन पे चलना है और ये जो फॉन्ट साइज है इसको आपको कर देना है 0, इस तरीके से देखिए ये पास पास में हो गया, तो ये आपका डिज़ाइन हो गया ऊपर का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये मेनू है इसको आपको लगाना है, ये देखिए एलिमेंटर पे, ये जो हेडर है एलिमेंटर पे डिज़ाइन हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अलग किसी वीडियो
आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे कैसे एलिमेंटर पे हेडर एंड फुटर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आ गया, अब आपको मेनू लगाना है, ये वाला जो है हेडर मेनू, तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। सिंपल से हम क्या करेंगे, इस वाले प्लस पे अब आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए सेकेंडरी मेनू, प्राइमरी मेनू, सिंपल से आपको प्राइमरी मेनू सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे होम आ गया, आंसर की आ गया, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, जो जो है ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसका आपको क्या करना है, कलर चेंज करना है। सबसे पहले तो जो फॉन्ट वगैरह है, इसके पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। सिंपल सा इस वाले कलम के बटन पे आपको क्लिक करना है, डिजाइन पे चलना है, और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर, जो कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। देखिए हमारे केस में हम ये कलर रखने वाले हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं, बाकी हम कलर कैसे कॉपी करते हैं या हम आप लोग को बता चुके हैं। देखिए हमने ये कलर यहाँ पर इस तरीके से रख लिया है। अब हम यहाँ बाहर पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है, जो विजिबल नहीं हो रहा है। सिंपल सा इसके वाले कलम पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए डिजाइन में आएंगे, और इसका टेक्स्ट कलर आपको ढूंढना है कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एंड लिंक कलर ब्लैक है, सिंपल सा हम इसको करेंगे वाइट। ये देखिए विजिबल होने लगा। अब ये देखिए ये ब्लैक, इसको जो जहाँ जहाँ माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं ये ब्लैक हो जा रहे थे, ये हावर कलर बोलते हैं। सब जो कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जैसे कि हम रेड रख लेंगे तो ये रेड हो जाएगा इस तरीके से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं, कि ताकि माउस पॉइंटर ले जाएँ तो वो कलर वहाँ पर शो हो। अगर देखिए इसका फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करना चाहते हैं, सिंपल से यहाँ पे देखिए मेनू फॉन्ट करके है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। क्या इसका फॉन्ट फैमिली वगैरह कितना साइज रखना चाहते हैं, कितना बड़ा रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से ना मैनेज करेंगे। यहाँ पे एरियल रखना चाहते हैं क्या है, टाइम्स ऑफ रोमन, जो आप रखना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप यहाँ पर रखना पसंद करते हैं। तो हमारे हम अपने केस में एरियल ही रहने देते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या रखेंगे। उसका हम देखिए नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे, वेट पर आप क्लिक करेंगे, क्या रखना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा काम इतना हो गया। उसका देखिए मेनू स्पेसिंग क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस पर हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हाँ देखिए इस तरीके से आप इसका सेटअप करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक एक करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे राइट साइड से कितना आप रखना चाहते थे, यहाँ पे हमने 5 क्लिक किया, और लेफ्ट साइड से हमने 5 क्लिक किया। तो इस तरीके से आप इसका कम बेसी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 ही रहने देंगे, ज़्यादा नहीं हम करेंगे, 1 नहीं, हम यहाँ पे 10 करते हैं ताकि ज़्यादा हो जाए थोड़ा स्पेसिंग। यहाँ पे देखिए 10 भी नहीं हो रहा, 20 हम करते हैं। इस तरीके से आपको देखना किस पे हमारा सारी चीज़ें सही बैठ रहा थी। यहाँ पे देखिए हम 20 किए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। या मेनू इसका जो फॉन्ट साइज है इसका कम बेसी भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कहें तो मेरा हेडर डिज़ाइन लगभग हो चुका है। अगर यहाँ पर आप कोई सर्च बॉक्स लगाना चाहते थे, प्राइमरी मेनू है, यहाँ पर देखिए हेडर मेनू होते हैं, प्राइमरी मेनू में लगाना है तो हम इस प्लस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सर्च बॉक्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर लग चुका है सर्च बॉक्स। इसका कलर आपको चेंज करना होगा, सिंपल सा पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ डिजाइन में चलना है, और देखिए आइकन का कलर क्या रखना चाहते हैं, हम व्हाइट रखना चाहते हैं तो व्हाइट हमने कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्जिन वगैरह भी यहीं सब सेट करेंगे। यहाँ पे इसका आइकन का साइज क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। देखिए हम यहाँ पे 35 करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने 35 किया, ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पे अपने हिसाब से इसका डिजाइन वगैरह सारी चीज़ें करेंगे। तो ये हमारा लगभग हेडर पूरा डिजाइन हो गया है। यहाँ पे देखिए और कुछ नहीं है, इतना है, तो ये हमने डिजाइन कर लिया है। अब आपको क्या करना, पब्लिश पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब हम देखेंगे साइट पे चल के कुछ चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं ये चेंजिंग हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है इस वाले साइट पे यहाँ पे मार्जिन कुछ दिया गया, तो इस पर हम बाद में अभी बात करेंगे, नेक्स्ट आपको आगे बताते हैं, पहले ये डिजाइन हम करते हैं। देखिए ये डिजाइन हो चुका है, कोई भी सर्च करना हो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे सर्च पे आप क्लिक कर देंगे, सर्च हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए फूटर डिजाइन भी देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखिए फूटर डिजाइन भी है, तो इस पर हम अभी आगे बता, पहले फूटर डिजाइन भी कर लेते हैं, उसके बाद ये हम डिजाइन इसका पूरा करते हैं। सिंपल सा यहाँ पे चलेंगे, अब हम बैक चलेंगे, देखिए हमारा हेडर डिजाइन हो गया। यहाँ पे देखिए होगा फूटर बोल्डर, सिंपल सा आपको फूटर बोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कॉपीराइट पे क्लिक करना है, कॉपीराइट इसमें देखिए क्या है वो चीज़, देखिए कॉपीराइट @2021 पावर्ड बाई एक्स्ट्रा प्रो, इसको आपको कैसे चेंज करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आ गया कॉपीराइट, ये करके है यहाँ पे कॉपीराइट @ जो करके था ना, करंट ईयर अपने आप चेंज होगा। साइट टाइटल, साइट टाइटल में आप अपना टाइटल, आपके टाइटल का अपने आपके साइट का नाम होगा, ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। और चाहे तो आप इसको चेंज, यहाँ पे पावर्ड बाई, यहाँ थीम यहाँ पे ऑथर दिया, थीम का जो ऑथर है वो उनका नाम यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से करेंगे रिमूव, देखिए हमने यहाँ से रिमूव किया, पब्लिश पे हम क्लिक करेंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश, देखेंगे कुछ हटा कि नहीं हटा। देखिए कॉपीराइट @2021 करके आ गया, 2021 करके आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इसको आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ पे आपको अपने
साइट का नाम लिखिए, जैसे कि यहाँ पे हम अमित टेक इंजीनियरिंग, सॉरी यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, अब यहाँ पे अमित टेक इंजीनियरिंग हम यहाँ पे टाइप कर दिए इस तरीके से, और क्या करेंगे हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, और इसको हम करेंगे देखिए साइट को यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, यहाँ पे देखेंगे अमित टेक इंजीनियरिंग करके आ गया है। अब इसको देखिए इसका साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम एक स्टेप बैक चलते हैं, यहाँ पे देखिए हम इसको यहाँ से इंजीनियरिंग इसको हम यहाँ से पूरा क्यों सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए इसका फॉन्ट साइज है, इसको हम घटा बढ़ा इस तरीके से सकते हैं, देखते हैं पहले यहाँ से होता है कि नहीं, यहाँ से नहीं होगा दूसरा तरीका हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यहाँ से हो गया आप लोग देख सकते हैं क्लियरली। इसका कलर भी कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से आप कलर भी इसका चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम ये कलर रखते हैं और इसको हम यहाँ से पब्लिश पर क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरीके से देखेंगे ये कलर हो गया, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा साइज और छोटा कर देते हैं और आपको आगे फिर बताते हैं, इसको हम 14 रखेंगे, इसको हम यहाँ साइड में करेंगे इस तरीके से, हम इधर इस पे लाएंगे साइड में लाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्क्रॉल करके यहाँ पे हमने कर दिया है, अब देखिए यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको अब मेनू देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बाकी एक साइड में भी आप कर सकते हैं, ठीक। देखिए ये हमको फुटर मेनू रखना, फुटर मेनू रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या था वो फुटर मेनू ही है, प्राइमरी मेनू लग चुका था, हम फुटर मेनू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, और यहां से हम क्या करेंगे रिफ्रेश पे हम क्लिक करेंगे, आप यहां पे देखेंगे फुटर मेनू भी लगा है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है कुछ भी, इसलिए नहीं दिख रहा है। चलिए हम चलते हैं अपने साइड में, यहाँ पे हम चलेंगे अपीयरेंस में, अब यहाँ पे चलेंगे मेनू में, मेनू में चलने के बाद यहाँ पे देखिए हमको फुटर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फुटर मेनू हमने फुटर मेनू सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट पे हमने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देखिए कुछ भी फुटर मेनू में लगाएंगे तभी तो वो आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे होम लगा दिए, कुछ सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं, लेटेस्ट जॉब रिजल्ट, ऐड मेनू पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ सेव पर हम क्लिक कर देंगे, सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे अपनी साइट को रिफ्रेश करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे आ गया होम आ गया, सर्टिफिकेट ट आ गया, लेटेस्ट जॉब रिजल्ट आ गया, होम पे कोई क्लिक करेगा तो होम पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फुटर मेनू, अब इसका कलर वगैरह कैसे चेंज करेंगे, सेम है, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है, देखिए इसका कलर चेंज करना है, इस पर हमने क्लिक किया, डिजाइन पे क्लिक किया हमने, उसका देखिए बैकग्राउंड कलर आप क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से ना अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, तो हम देखते हैं कोई हम एक कलर रख लेते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, अभी इसको पब्लिश करेंगे, यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, तो हम जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये कलर आ गया, लेकिन इन सब का कलर सेम हो गया तो इसमें मिल दिखाई नहीं है, विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसका कलर हमको चेंज करना होगा, देखिए हम यहाँ पे कॉपीराइट पे क्लिक करेंगे, अब इसका जो कलर है हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, और इसको कर देंगे यहाँ से हम बोल्ड, बोल्ड करने के बाद हम करेंगे पब्लिश, पब्लिश करने के बाद हम इसको जस्ट रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कॉपीराइट @2021 अमित टेक इंजीनियरिंग आ गया, अब कस्टमाइजेशन पे हम फिर से चलेंगे, देखिए यहाँ पे फुटर मेनू हट गया है, तो हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, फुटर मेनू हम सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अब इसका भी कलर हम कर देंगे यहाँ पे डिजाइन, और यहाँ पे लिंक और टेक्स्ट कलर को हम कर देंगे वाइट इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए ये आ गया, लेकिन इसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा मेनू फॉन्ट साइज, इसको हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर देंगे इसको 16, आज इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं, आप देखेंगे बहुत माइनर सा चेंजिंग हुआ, तो इसको हम करेंगे सीधे आप डायरेक्ट 25, 25 करने के बाद हम फिर से रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कुछ, देखिए यहाँ पे होम सर्टिफिकेट, इस तरीके से आप लोगों को हेडर ऑफ फुटर डिजाइन करना, तो ये हेडर ऑफ फुटर यहाँ पे डिजाइन हो चुका है, और देखिए यहाँ पे जैसे जैसे डिजाइन करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा, यहाँ पे हम डिजाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करते हैं और डिजाइन पे हम क्लिक करते हैं थोड़ा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस पर हम क्लिक करके एक एक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम 25 कर पहले दो करते हैं, क्योंकि इसका साइज हमको थोड़ा पतला करना है, इसका जो विथ है ये बहुत मोटा है, तो यहाँ पे हम दो किए, दो नहीं हम रखना चाहते हैं, हम 4 रखते हैं, और यहाँ बॉटम से भी हम 4 कर देते हैं, तो इस तरीके से देखिए ये छोटा हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए आप ये देखने में अच्छा दिखने लगा। अब देखिए आपको लैंडिंग पेज डिजाइन करना है, यहाँ पे आप लोग देखिए लैंडिंग पेज कुछ इस टाइप से डिजाइन करने वाले हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अब इसको हम यहाँ से देखिए यहीं से डायरेक्ट हम कर देंगे अब कैंसिल, क्योंकि पब्लिश पे हमने क्लिक कर चुका है, पब्लिश हो चुका है, ये हमारा इतना हेडर और फुटर अभी केवल डिजाइन हुआ है। अब यहाँ चलेंगे मेनू में, मेनू में चलने के बाद देखिए यहाँ पे पेजेस मिलेगा, हम पेजेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए होम है, यहाँ पे उसके पहले आप लोग को बता दें यहाँ पे आप लोग को चलना है कस्टमाइज में, कस्टमाइज में चलने के बाद एक चीज छूट गया था उसे भी बता दें, देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे आप, यहाँ पे तो होम सेटिंग मिलेगा,
जाएगा। सिंपल से होम सेटिंग पे क्लिक करना है, ये आपको ए स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, होम आपको सॉरी इंपॉर्टेंट आ रहा है, यहाँ पे आपको होम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का हो गया है। ठीक है, अब देखिए हम चलेंगे सीधे अब अपने डिजाइन में, अब सीधे यहाँ होम पेज हम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमको डिजाइन क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो 8 बॉक्स बने हैं इसको हमें डिजाइन करना है। इसको डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, अभी हम एक ही लेते हैं, एक ही लेने के इस पर हम क्लिक करेंगे, उसको देखिए प्लस पे क्लिक करेंगे, हेडिंग यहाँ पे लेंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब खींच कर ला के यहाँ पे छोड़ देंगे। सबसे पहले हम क्या नाम देंगे, जब मान लीजिए AKTU को रिजल्ट आया, AKTU रिजल्ट 2021-22 हम यहाँ पर टाइप कर दिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बड़ा है, अब हमको डिजाइन करना ना, तो इसका देखिए पहले आपको कलर चेंज करना होगा। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, इसका क्या कलर रखना चाहते हैं वो कलर अपने अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। तो जो भी आपके आपको कलर अच्छा लगता हो वो कलर यहाँ पे ना चूज कर लेंगे। तो ये कलर हो गया। अब देखिए ये इसका फॉन्ट कलर भी तो चेंज करना है, अब फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए इस पर हमको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए आपको स्टाइल में चलना है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर क्या है, ये कलर। तो इसको इस तरीके से आपको खींच के लाके वाइट कर देना है। अब ये वाइट हो गया, लेकिन टेपोग्राफी इसका साइज बहुत बड़ा है, तो इसका साइज छोटा करने के लिए यहाँ पे हम कर देंगे 14, यहाँ पे इस तरीके से 14 नहीं, हम यहाँ पे 18 कर देते हैं, 18 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, ये हमारा बोल्ड हो गया। अब इसको हम पब्लिश करते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि दिखलाएं कि ताकि ये डिजाइन हो रहा है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखिए ये डिजाइन हो गया है, यहाँ पे देखिए रिजल्ट आया है, लेकिन हमको बॉक्स कितने चाहिए, 8। अब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, यहाँ से आप राइट क्लिक करिए, अब डुप्लीकेट करते चले जाइए। देखिए एक यहाँ पर हो गया, तो एक यहाँ पर हो गया, फिर से हम इस पर डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे, फिर से इसी पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये 4 बॉक्स तो बन गया, लेकिन इसमें जो गैपिंग है, जो मार्जिन है, वो पता नहीं चल रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सबसे पहले कंटेंट पे चलना है, इसको सेंटर करना है ताकि सेंटर में पता चले। अब देखिए इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और सबका स्टाइल यहीं पे हम पेस्ट करते चले जाएंगे। ये देखिए स्टाइल इस तरीके से पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक अपने स्थान पर ये सेटअप हो जाएगा। देखिए इस तरीके से जो स्टाइल इसमें अप्लाई है वही इसमें भी अप्लाई हो गया। अब देखिए इनके बीच में गैपिंग भी तो देना है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से इस पर और यहाँ एडवांस में चलेंगे, यहाँ पे देखिए मार्जिन हम 5 का रखते हैं, 5 का यहाँ पे मार्जिन ठीक है, 5 का, लेकिन पूरे में हो रहा था। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉप से नहीं, हम राइट साइड से रखेंगे, राइट साइड से हम 5 करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड से भी हम 5 कर देते हैं। इस तरीके से देखिए 5 का गैपिंग हो गया है। अब देखिए इसका रेडियस कुछ आप रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हल्का सा रेडियस में आप लोग ध्यान देंगे तो आप रेडियस रख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही इसको रहने भी दे सकते हैं। तो हम रेडियस रखना चाहते हैं तो हम रेडियस रखने के लिए स्टाइल पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर बॉर्डर पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सॉलिड रखेंगे, इस तरीके से सॉलिड यहाँ पे नन ही रहने देते हैं, यहाँ रेडियस में हम 2 डाल देते हैं, 2 के हम 5 डाल देते हैं ताकि थोड़ा पता चले, ये रेडियस में कर्मड हो गया। देखिए आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है और इस पर देखिए आपको पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, देखिए हम सब पे यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब यहाँ से देखिए ऊपर से गैपिंग बहुत कम है, इस पर हमको क्लिक करना है, एडवांस में चलना है और इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना, टॉप से हमें गैपिंग चाहिए तो हमें यहाँ पे टॉप से हम यहाँ पे गैपिंग कुछ इस तरीके से रख लेंगे। अब देखिए कलर चेंज करने के लिए सबका कलर आपको अलग अलग रखना है, तो सिंपल सा इस पर आप क्लिक करिए, आपको एक एक कलर करके आपको कलर चेंज करना है। तो हम देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से हम कलर चेंज करते हैं, तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने चारों का कलर चेंज कर लिया। अब हम देखिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसी का हम डुप्लीकेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे 8 बन गया, लेकिन 8 तो बन गया लेकिन इनके बीच में जो गैपिंग वो बहुत ज़्यादा है। सिंपल सा हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे, ये जो 34 है इसको हम कर देंगे सीधे 5 कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब देखिए आप अपने मनपसंद जो भी कलर रखना चाहें इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ स्टाइल में आएंगे और इसका कलर जो भी आप रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप कलर रखते चले जाएंगे। तो आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो कलर रखेंगे। इस तरीके से देखिए हम जल्दी सभी का कलर चेंज हमने कर लिया था। ये हम इसको क्या करेंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये चेंजिंग हो चुका है। अब आपको ये लग रहा होगा कि देखिए हम इस पर क्लिक तो हो नहीं रहा है, तो इसे क्लिक कैसे होगा। देखिए क्लिक करने के लिए जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो कोई पोस्ट तो ओपन होता है, तो इसका ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीका आप लोगों को बताना है, जैसे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी URL हो, जो भी आप पेज का लिंक देना चाहते हैं उसका
इसका लिंक यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि हम आप लोगों को दिखला देते हैं, यहाँ पे ना ऑथर में हम इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं डैशबोर्ड में, यहाँ एक पेज का हम लिंक देंगे। देखिए यहाँ पे हम इस पर पेज पर क्लिक किए, मान लीजिए हम एडमिट कार्ड का लिंक दे दें, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके लिंक को कॉपी करेंगे और यहीं पर मान लीजिए हम इस लिंक को पेस्ट कर दिए और इस पर आपको क्लिक करना है। अगर नया पेज ओपन कराना चाहते हैं तो न्यू विंडो पर आप क्लिक करेंगे, अपडेट पर क्लिक कर देंगे। देखिए अपडेट पर क्लिक करने के बाद हम अपने यहाँ इस वेबसाइट को हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। देखिए हम चलते हैं होम पे और देखिए यहाँ इसको हम से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए एकेटिव रिजल्ट 2021 पे क्लिक करेंगे, देखिए ये एडमिट कार्ड वाला हम लिंक दिए थे, एडमिट कार्ड वाला लिंक यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप लोग को लिंक इसमें देना होगा सबके लिए। देखिए हमारा ये तो डिजाइन हो गया है, अब हमको क्या डिजाइन करना है, ये जो बॉक्स बने हैं इसको हमें डिजाइन करना है। इसको डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम एक लेंगे, एक को हम डिजाइन करते हैं। यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडिंग हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ देंगे। उसका यहाँ पे हेडिंग में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि हमें अपने एडमिट कार्ड दे दिया, एडमिट कार्ड इस तरीके से हमने एडमिट कार्ड दे दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा देखिए इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे आना है, देखिए इस तरीके से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके खींच कर ला के छोड़ देना है। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे लग गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, इस कलम वाले चिन्ह पे इसको अलाइन आप सेंटर कर दीजिएगा और इसका कलर आप क्या रखना चाहते हैं, स्टाइल पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर देखिए टेपोग्राफी कलर इसको हम कर देते हैं पहले वाइट, तो इसमें देखिए वो हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे। एडवांस पे आएंगे, बैकग्राउंड पे आएंगे, बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं वो इस पर क्लिक करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करना है आपको। बैकग्राउंड कलर जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से ना आप रख सकते हैं। अगर ग्रेडियंट रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रेडियंट है तो हम ग्रेडियंट भी रख सकते हैं, सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर फर्स्ट कलर आपको चूज करना है, क्या फर्स्ट कलर रखना चाहते हैं हम, देखिए कुछ इस टाइप का फर्स्ट कलर हमने रख लिया। सेकेंड कलर आप क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से ना आप चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो सेकेंड कलर जो होगा ग्रेडियंट में लगाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ बैकग्राउंड पे हम फिर से क्लिक करते हैं और लोकेशन आप इसका चूज करेंगे, कैसे लोकेशन इसका आप रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे हम इधर उधर कर रहे थे इसका लोकेशन भी चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से आपको लोकेशन चूज कर लेना है। ये तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये इतना हो गया तो आपको सिंपल सा इसका बॉर्डर कलर भी तो आपको रखना होगा, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको स्टाइल में आना है, देखना है बॉर्डर यहाँ पे है, बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सॉलिड हम लेंगे और यहाँ पे हम दो टाइप करेंगे, चारों तरफ का बॉर्डर कलर रहेगा और इसका हम कलर रख देंगे इस तरीके से। अब जो कलर रखना चाहते हैं वो कलर अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका बॉर्डर कलर भी हो गया, आपको दिख नहीं रहा, हम अपडेट पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से हम इस साइड को रिफ्रेश करते हैं तब आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में। देखिए यहाँ पे बॉर्डर कलर यहाँ पे रेड है, लेकिन अब देखिए एडमिट कार्ड है लेकिन यहाँ पे गैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको गैपिंग कम करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा देखिए हम सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ एडवांस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इस पर आपको क्लिक करके इसको एक एक करके आपको सेलेक्ट करना है, मल्टी के कलर आपको मल्टी मतलब नहीं रखना है कि एक सेलेक्ट करें सब में वही चीज़ें फिलअप हो जाए, और इसको आपको माइनस में ले जाना, देखिए इस तरीके से माइनस में ले जाके आपको सेट कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट एफ ही है फिर राइट भी है, तो हम लेफ्ट का भी थोड़ा सा नहीं, इसको हम माइनस में करेंगे ताकि बड़ा हो जाए। देखिए हम माइनस में कर रहे हैं, ये बड़ा होकर सट गया, एक में मर्ज हो गए, और उसको देखिए राइट साइड है तो हम राइट साइड को भी ऐसे ही सेट कर लेंगे इसी तरीके से, ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब देखिए इस पर हमको क्लिक करना है क्योंकि ये इसी में मिल जा रहा है, मर्ज हो रहा जा रहा है, ठीक है। तो इस पर हमको क्लिक करना है, यहाँ एडवांस में चलेंगे और इस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे, टॉप से इसका कुछ मार्जिन हम दे देंगे इस तरीके से, देखिए हम इस तरीके से हमने इस टॉप को मार्जिन में दे दिया। अब यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं, आपको खुद दिखेगा क्या चेंजिंग हुआ, देख सकते हैं अब ये चेंज हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ एलिमेंटर में हम आ गए, अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा डुप्लीकेट करते चले जाना। देखिए हमने डुप्लीकेट किया, फिर से हम डुप्लीकेट करेंगे क्योंकि हमको चार रखना है, ठीक है, नहीं तीन है ना, यहाँ पे हम देखिए तीन है तो हम तीन रखेंगे, देखिए तीन हो चुका था, अब इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीन हो गया। अब आपको नाम केवल चेंज करना होगा, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि एडमिट कार्ड है ये इसको हम कर देते हैं, इस पर क्लिक करके इसको रिजल्ट कर देते हैं, कंटेंट में चलेंगे और इसको हम कर देते हैं रिजल्ट, इस तरीके से हम रिजल्ट्स कर दिए, ठीक है। और इस पर एडमिट कार्ड इसको हम कर देते हैं लेटेस्ट जॉब, यहाँ पे हम आएंगे लेटेस्ट जॉब,
देखिए हमने लेटेस्ट जॉब इस तरीके से कर दिया। देखिए अब आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे माउस पॉइंटर लाकर डुप्लीकेट कर देना है। देखिए डुप्लीकेट करें, ये नीचे भी आ गया। फिर से हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब क्या रखना चाहते हैं, क्या नाम आपको केवल चेंज करना है, तो जो जो नाम रखना चाहते हैं हम जल्दी जल्दी सबका नाम चेंज कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरीके से सबका नाम रख लिया। अब हम क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, इस वेबसाइट को हम अपडेट करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, सॉरी रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे तीन तीन का बॉक्स यहाँ पे बनकर आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बटन भी तो लगाना होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, शो मोर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको बटन भी तो लगाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें हम चलेंगे और यहाँ पे आपको देखिए बटन लगाने के लिए क्या करना है, सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च क्या कर, देखिए यहाँ पर बटन है, सिंपल सा आपको बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ला के आपको छोड़ देना है इस तरीके से। अब देखिए इसका अलाइन क्या रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। अब इधर साइड राइट साइड करना चाहते थे, इधर आप क्लिक कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिंक देना होता है, जो भी आप पेज क्रिएट किए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हम इस पर क्लिक, इसका हम लिंक दिए थे, तो इसका आपका लिंक आपको देना पड़ता है, सभी पेजेस का आपको यहाँ पे लिंक देना होगा, एक एक करके हम बताते हैं आप लोग को। ये तो यहाँ पर हो गया, इसका कलर क्या रखना चाहते हैं ये यहाँ से ना चूज करेंगे। हम यहाँ पर स्टाइल पर पहले आते हैं, क्या कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ से ना अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी आप कलर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ बाहर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए टेपोग्राफी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं फॉन्ट फैमिली वो यहाँ से नफ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एरियल रखना चाहते हैं, हमने एरियल सेलेक्ट किया। यहाँ पे इसको बोल्ड हम करना चाहते हैं, हमने बोल्ड कर दिया यहाँ पे। उसको देखिए यहाँ पे साइज क्या रखना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इसका साइज आप घटा बढ़ा सकते हैं। उसको देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्या रखना चाहते हैं, अपर केस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, केवल कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडवांस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसका बॉर्डर का कलर वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर आप देना चाहते हैं तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप नन पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बॉर्डर देने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको कॉपी करना है यहाँ से, अब यहाँ पे लाके आपको पेस्ट करते चले जाना है। देखिए जैसे जैसे पेस्ट करेंगे ये हर जगह ये लगता चला जाएगा, बाद में आपको केवल और केवल लिंक देने की जरूरत होगी। देखिए बटन लग गया। अब हम क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं। हम बार बार साइट को आप रिफ्रेश करते रहिएगा, देखेंगे यहाँ पे बटन लग चुका है। इसका भी साइज आप बटन का देखेंगे बहुत बड़ा है। यहाँ पे क्लिक हेयर है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, रीड मोर भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिख देंगे वो यहाँ पे शो होगा। देखिए कहाँ पे नहीं, देखिए इस पे हम क्लिक किए थे, यहाँ पे लिखा रहा है यहाँ पे रीड मोर पे, मोर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे रीड मोर करके यहाँ पे आ गया। तो अपने अकॉर्डिंग इसको करेंगे, ठीक है। इसका साइज आप देखेंगे बड़ा है, तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपको साइज को छोटा बड़ा करने के लिए सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है, स्टाइल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए पेंडिंग है, पेंडिंग पर आपको क्या करना है, इस पर आपको क्या जो भी आप रखना चाहते हैं 10-15 जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे ना आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए इसका साइज छोटा आ गया। अब सब पे अप्लाई करने के लिए इस पर आपको राइट क्लिक करना है, कॉपी करिएगा। अब बस स्टाइल आपको इस तरीके से अप्लाई करते चले जाना है। इस तरीके से हम सब में अप्लाई कर दिया, हमें अपडेट पर क्लिक करेंगे, साइट को रिफ्रेश यहाँ से हम करेंगे, देखेंगे देखिए यहाँ पे ये सब में लग चुका है क्लिक हेयर का ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए बीच में कुछ मार्जिन है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कोई मार्जिन नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एलिमेंटर में चलेंगे और यहाँ पे देखिए इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ एडवांस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है। हमको राइट से ना हम यहाँ पे 5-2-3 जितना आप गैपिंग रखना चाहते हैं, जैसे कि हम 3-3 रखते हैं तो यहाँ पे 3-3 हमने रख दिया 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, बस स्टाइल आपको पेस्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम बाइक चलेंगे, देखिए स्टाइल हमको पेस्ट करना है तो स्टाइल पे हम पेस्ट करेंगे। देखिए आप कभी भी मतलब गलत पेस्ट हो जा रहा है, सिंपल सा बाहर क्लिक करके कंट्रोल पर जेड क्लिक मतलब प्रेस करेंगे तो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से ना आपको स्टाइल पेस्ट कर देना है जो गैपिंग देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सब पे पेस्ट कर दिया स्टाइल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, साइट को हम फिर से रिफ्रेश करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे गैपिंग बढ़ गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट भी तो लगाना होगा, देखिए पोस्ट लगाना, अब देखिए यहाँ पे बटन पे क्लिक नहीं होगा, किसी भी बटन पे क्लिक नहीं होगा, आप लोग देख सकते हैं किसी भी बटन पे हम क्लिक करेंगे क्लिक नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम चलेंगे यहाँ पे पेजेस में चलेंगे, जो भी पेजेस आप क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे देखिए हम पेज में आएंगे और सबका यहाँ पे मतलब लिंक, जैसे कि लेटेस्ट जॉब का लिंक क्या है यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके देखिए बटन में हम आएंगे, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब का, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये लिंक पेस्ट कर देना है जो कॉपी किए हैं, ठीक है, हो गया यही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देंगे, अपडेट पर क्लिक करने के बाद रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट को
यहाँ पे ओपन न्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पेज खुलकर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस पेज में जो भी पोस्ट होंगे सभी के सभी शो होंगे। कैसे लगाना है पेजेस में पोस्ट वगैरह सब के सब आप लोग को बताएंगे। अभी तो ये एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही अब 10 मिनट मैक्सिमम 10 से 15 मिनट और वीडियो होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट लिखना है तो हम कुछ डमी पोस्ट कर लेते हैं। पोस्ट लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, हम ऐसे ही कुछ हम डमी पोस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रिजल्ट हमने एक बार लिख लिया, रिजल्ट आ गया, हमने ये कर दिया, यहाँ पे पब्लिश पे हम क्लिक कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। ये उसका फिर से हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, इसी तरीके से हम 7-8 पोस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 4-5 पोस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट ने सबसे पहले आप लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करना, जैसे कि यहाँ पे अनकैटेगराइज हमने सेलेक्ट किया है। अब जो भी आप न्यू लेबल रखना चाहते हैं वो रखेंगे, जैसे कि लेटेस्ट जॉब के लिए लेटेस्ट जॉब रखेंगे, रिजल्ट के लिए रिजल्ट, आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। अब वही आपको जो स्पेलिंग यहाँ पे फिलअप किए रहेंगे वही आपको फिलअप करना होगा जो कैटेगरी होगा, ठीक है। अभी हम आप लोगों को दिखला रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक क्रिएट कर ही लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेटेस्ट जॉब का, ठीक है, लेटेस्ट जॉब का हम कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर, ऐड ए न्यू कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे अनकैटेगराइज को, और यहाँ पे देखिए लेबल लेटेस्ट जॉब आ गया, ठीक है। अब हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, देखिए ये पब्लिश हो जाएगा, ये पब्लिश हो गया। हम यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने डमी पोस्ट यहाँ पे हमने कर लिया है। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा देखिए एडिट में आएंगे, यहाँ पे एलिमेंटर यहाँ कस्टमाइजेशन में आएंगे, जो फ्रंट पेज हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको एक कोड प्रोवाइड कराऊंगा, वो कोड केवल आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। देखिए चलिए हम आप लोग को दिखलाते हैं वो कोड, ये है वो कोड, ठीक है। इसको आपको पूरा कॉपी कर लेना है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या हम डिस्क्रिप्शन में ही टाइप कर देंगे, उसे आप वहां से कॉपी कर लीजिए, केवल कॉपी करके आपको पेस्ट करना होगा। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए, अब आपको क्या करना है, इसी सेलेक्ट को आपको चेंज करना है, ये जो है इसको हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद अपडेट पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे हम चलते हैं अपनी वेबसाइट को, हम रिफ्रेश करते हैं जो डिजाइन कर रहे हैं, देखिए अभी भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इसके लिए अब आपको एक ज़रूरत पड़ेगी प्लगइन का, पहले यहाँ पे स्लग हम चेंज कर लेते हैं। देखिए स्लग में हम यहाँ पे पोस्ट आप लोगों को दिखला दे, देखिए लेटेस्ट जॉब कैटेगरी जो है लेटेस्ट जॉब में केवल एक पोस्ट है, यहाँ पे अनकैटेगराइज में 3 पोस्ट है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हम स्लग चेंज करेंगे अनकैटेगराइज वहाँ पे 3 पोस्ट शो होंगे, और जहाँ पे हम लेटेस्ट शो यहाँ जॉब वाला सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे केवल एक ही पोस्ट अभी शो होगा, क्योंकि हम एक ही पोस्ट यहाँ पे किए हैं। एग्जाम्पल के आप लोग को दिखला देते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, और यहाँ पे ये स्लग हम चेंज कर देंगे लेटेस्ट जॉब का, अपडेट पे हम क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं साइट में कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब दिखा रहा है। तो अब आपको एक प्लगइन का हम बताएं आपको इस्तेमाल करना है, सिंपल सा यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आ गए डैशबोर्ड में, यहाँ चलेंगे प्लगइन में, प्लगइन में चलने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिस्ट खाली लिख देंगे, लिस्ट लिख देंगे ना तब भी वो आ जाएगा, क्योंकि पॉपुलर बहुत ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ये प्लगइन है। देखिए यहाँ पे 1,00,000 लोग इसे डाउनलोड किए हैं, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल करने लेते हैं। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको एक्टिवेट यहीं से कर देंगे। देखिए यहाँ से एक्टिवेट हो गया है, अगर एक्टिवेट नहीं होता तो यहाँ से भी आके एक्टिवेट डीएक्टिवेट आप कर सकते हैं। अब देखिए अपनी वेबसाइट को हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं। आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब, लेटेस्ट जॉब में एक ही हम पोस्ट किए थे जो नाम था गवर्नमेंट जॉब, आप लोगों को दिखला भी देते हैं ताकि कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब टाइटल हम दिए थे, ये AKTU एडमिट कार्ड, BHU रिजल्ट, रिजल्ट आ गया, इस तरीके का हम डमी पोस्ट यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो लेकिन लेटेस्ट जॉब में एक ही है, बाकी अनकैटेगराइज है। अब देखिए हम कुछ अनकैटेगराइज वाले भी करके देखते हैं, देखिए अनकैटेगराइज वाले को एडमिट कार्ड में हम लगाते हैं, सिंपल सा इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और देखिए इसी में हम इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से पूरे को डिलीट करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम इसका जो स्लग रखेंगे वो अनकैटेगराइज रखेंगे, जो कैटेगरी देखिए हम यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं। देखिए हम इसको यहाँ से कॉपी कर लिए हैं, अब यहाँ पे देखिए हम इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे और इसको हम अपनी वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। आप देखेंगे इसमें 3 पोस्ट आएगा, देखिए अभी 1-2 पोस्ट आ रहा है, देखते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। पहले
यहाँ पे अनकैटेगराइज कोई सभी तो पोस्ट पब्लिश हैं। हाँ तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितने शो कराना चाहते हैं, दो लिखे हैं तो इसको हम यहाँ से बढ़ा देंगे छः, तो इसको छः कर देंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे तीनों पोस्ट शो होंगे, जितने वहाँ नंबर ऑफ रहेंगे उतना मैक्सिमम शो होंगे। देखिए यहाँ पे तीन पोस्ट आ गया। तो इस तरीके से तो आप लोगों को स्लग अपना चेंज करना जो भी कैटेगरी बनाए होंगे। तो चलिए हम सभी जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं। देखिए हमने जल्दी जल्दी सभी के सभी यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है। अब देखिए हम इसको मोबाइल व्यू में करते हैं तो कितना बेकार दिखेगा, अभी आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए ये मोबाइल व्यू में हम कर रहे हैं तो कितना बेकार दिख रहा है, इसमें एक एक पोस्ट दिख रहे हैं। देखिए मोबाइल व्यू के लिए आप चाहें तो अलग से डिजाइन कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, नहीं तो अदरवाइज हम इसी को रखते हैं अभी फिलहाल। तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली बताते हैं। देखिए यहाँ पर मोबाइल व्यू में ये भी कितना बेकार दिख रहा है। तो चलिए इसको डिजाइन करते हैं। देखिए हम एलिमेंटर में आ गए, इस पर हम देखिए क्लिक करेंगे इस तरीके से, इस पर हम क्लिक, हाँ यहाँ पे हम मोबाइल व्यू पहले करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम मोबाइल व्यू यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको हम 100% है तो इसको हम कर देंगे अभी 50% करेंगे, फिर इसको भी हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से कर देंगे 50, बाकी हम बताएंगे अलग अलग डिजाइन करने के लिए, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे 50 कर दिया है, इससे हम तर इसको हम 100% रहने देंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो इधर हम आप लोग को दिखला देते हैं तो ज़्यादा बेटर आप लोग को समझ में आएगा। देखिए हम इसको 50 कर देते हैं और इसको भी हम 50 कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे हमने 50 कर दिया, तो आप देखें ये इसके सीध में आ रहा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं जाएगा, इसलिए इसको आपको 100% रहने देना है। तो यहाँ से इस पर हम 100% यहाँ रहने देंगे, यहाँ लेआउट पे रहेंगे। देखिए जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लेआउट वाले ऑप्शन पे आएंगे, तभी ये 100% वगैरह करने को आएगा, ठीक है। तो देखिए हम 100% इसको कर दिए, इसको हमें करना था, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको हम करेंगे 100%, इसको हम कर देंगे 50% इस तरीके से, इसको भी हम 50% कर देंगे, इसको भी हम 50% कर देंगे। देखिए हम यहाँ से 50 कर देंगे, इसको 100% रहने देंगे, इसको हम 50% करेंगे ताकि मोबाइल में भी देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे पब्लिश, तो ये देखिए हमारे मोबाइल व्यू में कुछ इस टाइप का दिखेगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ने ये जो है इस तरीके से दिख रहा है, इसको भी हमें कुछ मैनेज करना है, हम दो दो का सोच रहे हैं लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पहले इसको हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं मोबाइल व्यू में। आप देखेंगे मोबाइल व्यू में भी चेंजिंग हो गया है, ठीक है। इस तरीके का मोबाइल व्यू में दिखेगा। हम एक डिजाइन करना आप लोगों को बता देंगे बाद में, बाकी कैसे आप लोग को डेस्कटॉप मोड में, जैसे कि यहाँ डेस्कटॉप पर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके का शो होगा यहाँ पर तीन तीन, तो कैसे आप लोग मोबाइल में भी तीन तीन शो कराएंगे, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कैसे आप लोग को फोर्स करना है डेस्कटॉप मोड में, ठीक है। तो अभी हम केवल मोबाइल व्यू का डिजाइन, अभी यहाँ पे मोबाइल का ये थोड़ा हम सही कर दें ताकि देखने में अच्छा लगे। देखिए ये हम यहाँ पे आएंगे एलिमेंटर में, अब इसी को सेम तरीके से इस पर भी क्लिक करना है। आप इसको 50% रख लीजिए सबसे बेटर, इसको भी हम 50% कर देंगे। ये चार चार का था तो यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को दिखला दें ये कितने कितने का था, यहाँ पे हम बड़ा करते हैं, देखिए चार चार का था, तो ये 50% कर देंगे, दो दो का बहुत ही आसानी से लग जाएगा, ठीक है, ये सेट हो जाएगा। देखिए हम यहाँ 50 कर दे रहे हैं, अब बाकी इसी को यहीं से कॉपी करिए, इसी को इस पर मतलब पेस्ट कर दिए, स्टाइल सब में सेट होता चला जाएगा, लेकिन कलर से कलर भी चेंज हो जा रहा है तो नहीं हम करेंगे, हम एक एक करके करते हैं 50%। देखिए इस तरीके से हमने डिजाइन कर दिया, ये 50% दिख रहा है, लेकिन अभी इसमें और भी चीज़ें हमें मैनेज करना है, जैसे कि हेडर। अभी देखिए हेडर कुछ हेडर और फुटर कितना बेकार देखने में लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको भी सही करते, फुटर तो खैर सही ही है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन हेडर कुछ ज़्यादा इसका कलर वलर नहीं पता चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैक चलेंगे, ध्यान रहे आप लोग को पब्लिश करने के बाद ही बैक आप लोग को चलना है। देखिए हम यहाँ से बैक आए, हम इसको करेंगे यहाँ से रिफ्रेश, हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए सब कुछ सही है। अब मोबाइल व्यू में भी करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ से हम मोबाइल व्यू करते हैं, आप लोग देख सकते हैं मोबाइल में भी देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब लेकिन अभी हेडर हमारा जो है मोबाइल व्यू में सही नहीं लग रहा, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और इसको मोबाइल व्यू का सही करेंगे। देखिए यहाँ हेडर है, हेडर बोल्डर में आएंगे और यहाँ पे देखिए हम मोबाइल व्यू कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर टॉगल बटन करके सिंपल सा इस पर आप क्लिक करिएगा,
अब इसको देखिए आप क्या रखना चाहते हैं, थ्री डॉट रखना चाहते हैं थ्री डॉट रखिए। इसका पहले हम कलर चेंज कर दें ताकि आप लोगों को विजिबल ये हो, आइकन का कलर हम वाइट कर देते हैं। अब देखिए ये विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब आइकन का साइज क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से ना बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे कि हम 36 कर दिए, ठीक है। उसके देखिए फॉन्ट साइज क्या रखना चाहते हैं, हम 14 रखेंगे ताकि देखने में सही रहे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे जनरल पे, देखिए आप क्या रखना चाहते हैं। ये कई तरह का डिजाइन आप रख सकते हैं, जैसे कि थ्री डॉट भी रख सकते हैं, इस तरीके का भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिल करके रहेगा, इस तरीके का पूरा बैकग्राउंड फिल हो जाएगा। आउटलाइन केवल रखना चाहते हैं तो इस तरीके का ग्लो में रहेगा आउटलाइन। यहाँ पे मिनिमल भी आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिल कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा है, ठीक है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी होम पे रहेगा वो मोबाइल में भी देखने में अच्छा लगेगा। इसका साइज वगैरह हम कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 30 हम कर देते हैं। और यहाँ पे लोगो का साइज क्या रखना चाहते हैं वो भी यहाँ से ना आप इसका लोगो का साइज यहाँ से कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइट आइडेंटिटी लोगो है तो इसको हम थोड़ा सा इसकी साइज को कम करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हम करते हैं कम ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसको यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब हम पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ रिफ्रेश कर दिए, लेकिन हम यहाँ पे मोबाइल व्यू में करेंगे। देखिए मोबाइल व्यू में भी अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से तो आप लोगों को हेडर डिज़ाइन करना है। फुटर में देखिए, फुटर में भी सही दिख रहा था, हम पहले ही आप लोगों को दिखला दिए यहाँ पे फुटर। हम चलते हैं फुटर में, देखते हैं फुटर में क्या चीज़ है। फुटर में देखिए सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्या रखना चाहते हैं, स्टॉक वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब क्या मतलब क्या यहाँ पे लगाना चाहते हैं फुटर में, वो सभी चीज़ें यहाँ से ना आपको मिल जाएगा। व्यू लोकेशन आपको यहीं से मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। हम बैक चलते हैं, देखिए यहाँ पे हेडर फुटर बिल्डर में हमको जाना, क्योंकि हम फुटर डिज़ाइन कर रहे हैं। हम फुटर में आएँगे और यहाँ पर देखिए फूड डिज़ाइन है, डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे। कुछ पेंडिंग वगैरह आप रखना चाहते हैं, मार्जिन वगैरह तो रख सकते हैं, नहीं तो आप जनरल पे ही रहने देंगे। फूटर मेनू पे आप क्लिक करके क्या इधर से आप ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फूटर हेडर मतलब फूटर जो ये है होम सर्टिफिकेट ये मोबाइल में ना दिखे तो यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम चाहते हैं दिखे तो हम सिंपल सा इसको देखने के लिए दिखने देंगे और यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब चलिए वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके। देखिए अगर यहाँ पे इस तरीके का आप लोग बनाना चाहते हैं कि हमारा मोबाइल में भी इस तरीके का दिखे तीन तीन कॉलम, तो आप लोगों को ये मतलब मोबाइल भी उससे आपको डेस्कटॉप मोड में आपको फोर्स करना होगा। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो हेडर है पूरा का पूरा है। तो ये देखिए आपको इसमें आप लोग देख रहे होंगे साइट में, हम अमित टेक इंजीनियरिंग वाली वेबसाइट पे दिखला देते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर रहे, ठीक है। अमित टेक इंजीनियरिंग हम देखिए यहाँ पर सर्च करते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर क्या है, या इधर गए इधर कट है, पूरा गैपिंग है, मतलब बीच में बस छोटा सा है हेडर, लेकिन इसमें पूरा दिखा रहा है। तो इसका कारण है, चलिए आप लोग को बताते हैं सारी चीज़ें। ये देखिए अब आपको यहाँ से फ्री वाले वर्जन में जितना आपको होना था वो हो गया, अब आपको प्रो वर्जन कर लेना पड़ेगा। अब चाहे तो GPL प्रोडक्ट से भी मतलब 200-250 में खरीद सकते हैं, बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी बाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जिप फाइल पड़ा है तो हम सिंपल सा जिप फाइल यहाँ से यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ प्लगइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी हमारा अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा प्रो भी है, एलिमेंटर प्रो भी, हम दोनों को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। देखिए हम एक्स्ट्रा प्रो पहले इंस्टॉल यहाँ पर हम करते हैं। तो ये देखिए हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर देंगे, अब हमारा एक्स्ट्रा प्रो जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए प्लगइन इंस्टॉल हो गया, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे चलेंगे हम साइट को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद आप लोगों को कमाल दिखलाते हैं। सिंपल सा कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों को सारी सेटिंग बता रहे हैं।
देखिए हम यहाँ पे सारी सेटिंग होने देते हैं। देखिए ये हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्लोबल पे चलेंगे, ग्लोबल में नहीं, हमको हेडर में चलना है, क्योंकि हेडर का ये साइज दोनों हमको गैपिंग में लाना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से लाने के लिए आपको यहीं से करना होगा, हेडर में चलेंगे। पहले हम ऊपर करते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन में चलेंगे और यहाँ पे देखिए मार्जिन दिया, मार्जिन यहाँ पे राइट साइड से आप कितना मार्जिन रखना चाहते हैं वो यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो कंटेंट इसका दिया हुआ है इसके हिसाब से आप अपना देखेंगे, ठीक है। और उसका लेफ्ट साइड यहाँ पर हम 80 करते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है कुछ, 80 भी ज़्यादा हो रहा है, 50 करते हैं, आपको अपने हिसाब से देखना है कि किधर से कितना। हम लेफ्ट से 50 कर देते हैं, सेम तर इससे इसमें भी हम इसको भी 50-50 कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे मार्जिन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, पहले लेफ्ट से 50 और राइट से 50, ये 50-50 हो गया, पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हम वेबसाइट को रिफ्रेश यहाँ से करते हैं, देखते हैं कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंजिंग हो चुका है 50-50 यहाँ पे, लेकिन 50-50 ज़्यादा हो रहा है, तो अब 100-100 कर लेंगे, इसको हम कर देंगे 100। देखिए यहाँ से 100, इस तरीके से आप लोगों को देखना है कि कहाँ पे हमारा सही बैठ रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखिए सेव हो गया, तो इसको पहले रिफ्रेश करके दिखलाते हैं, उसके बाद हम फाइनली करके आप लोगों को दिखलाते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम दोनों जगह पे 150-150 कर दिए हैं दोनों तरफ से, तो अब देखते हैं कैसा आ रहा है, मतलब सही हो रहा है। 150 यहाँ पे भी है, हमने यहाँ पे सेव पे भी हमने क्लिक कर दिया, इसको हम करेंगे वेबसाइट को रिफ्रेश। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये हो गया, लेकिन टॉप से भी मार्जिन अगर रखना चाहते हैं, जैसे किसी पे हल्का सा दिख रहा होगा, तो टॉप से मार्जिन रखने के लिए आपको क्या करना, केवल ऊपर वाले करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, डिजाइन पे क्लिक करना है। अब टॉप से मार्जिन यहाँ पे बॉटम है, तो टॉप से हम 10 रख देते हैं ताकि देखने में ठीक ठाक लगे, ठीक है। हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे रिफ्रेश साइट को करेंगे। देखिए यहाँ से हल्का सा मार्जिन टॉप से आ गया है 10 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको सेटअप करना है। देखिए जो यहाँ पे फुटर दिखा रहा है वो पूरे में दिखा रहा था, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको फुटर में आना, ध्यान रहे यहाँ पे फुटर बुल्डर में आपको आना है। और यहाँ पर देखिए जो है, पहले तो आप लोग को बता दें कंटेनर पे चलना है, यहाँ पे ग्लोबल उसका कंटेनर, कंटेनर के बाद सबको आपको यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे बॉक्स कर देना, कंटेंट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बॉक्स सबको सेलेक्ट कर लेना है, कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, इसको भी हम यहाँ पे कंटेंट बॉक्स हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम बैक आएंगे, उसके बाद फिर से हम यहाँ बैक आएंगे, उसके बाद देखिए फुटर बुल्डर, फुटर बुल्डर में इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ डिजाइन में आपको चलना है, नीचे आना है, इस पर एक बार क्लिक करना है। मार्जिन हम राइट साइड से 50% रखते हैं, देखते हैं कुछ चेंजिंग होता है कि नहीं। देखिए इधर से तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन इधर से नहीं हो रहा है, अभी देखते हैं क्या चीज़ें हैं। और इसको हम पब्लिश पे क्लिक किए, यहाँ से हम रिफ्रेश कर दिए, यहाँ पे देखिए इधर से तो हो गया लेकिन इधर का नहीं हो रहा है, तो इधर का देखते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है। यहाँ पे हम बैक चलते हैं, मूव चलते हैं, यहाँ पे देखिए ग्लोबल में आएंगे, कंटेनर में आएंगे, इसको हम बॉक्स करते हैं, सबको अब हम बॉक्स करते हैं, देखते हैं कुछ चेंजिंग होता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम बॉक्स करते हैं, इसको भी बॉक्स करते हैं, तो देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। अभी तो फिलहाल ये चेंज नहीं हो रहा, लग रहा है नहीं हो पाएगा चेंज, तो हम बाद में इसको खोज कर ढूँढ कर आप लोग को बताएंगे कैसे चेंज करना है। तो अभी तो इतना ही इस वीडियो में आप लोग को बताते हैं, बाकी यहाँ पे देखिए हम सर्च यहाँ पे आप लोग को दिखला दें, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा प्रो वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए हैं, अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा हम एलिमेंटर भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि उसको भी हम आप लोग को बता सकें एक चीज़ें। अब भी हम इसको इंस्टॉल करके आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे हम इस पर क्लिक किया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। ये आप लोग को ये ऐसा सर्च बॉक्स आपको कैसे लगाना है, क्योंकि ये एलिमेंटर प्रो में ही आप लोग को मिलेगा लगाने के लिए, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं। देखिए इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, देखिए ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया, तो इसको हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद चलिए हम साइट पे चलते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये
चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम बाद में ट्राई करके आप लोग को ढूंढ के बताएंगे कैसे आप लोग को चेंज करना है, इधर से भी मार्जिन लाना है। ठीक है, यहाँ होम पे हम क्लिक कर देते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे हमको क्या लगाना है, सर्च बॉक्स। यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि सर्च बॉक्स एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है वो इंस्टॉल हम कर चुके हैं। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये है, इस पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक करना, एक यहाँ से ना आपको ले लेना है, यहाँ प्लस पे आपको क्लिक करना है, इस वाले प्लस पे और इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च आपको टाइप करना है। देखिए हम यहाँ पे सर्च टाइप करते हैं तो यहाँ सर्च फॉर्म आ गया, इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे। अब देखिए इसका यहाँ पे क्लासिक वर्जन क्या रखना चाहते हैं, अब वो यहाँ से ना चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। आप फुल विथ रखना चाहते हैं तो कोई भी इस पर क्लिक करेगा पूरे में दिखाएगा, या फुल पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से रखेंगे। जैसे क्लासिक रखना चाहे क्लासिक रहने देंगे। आइकन टेक्स्ट क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्च आ जाएगा जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आइकन रखना चाहते हैं तो आइकन रहने दीजिए, ये दिखने में इस तरीके लगेगा। हमको डिज़ाइन का हम बताने वाले हैं इस तरीके का, हम इस तरीके का आप लोगों को बता रहे हैं, बाकी अपने मनपसंद भी यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिंबल भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च वाला सिंबल रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टाइल में चलेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टाइल ही। तो यहाँ पे देखिए कलर क्या है, सेम कलर है, यही कलर जो यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल हमको बॉर्डर रेशियो हमें 100 कर देना है। देखिए बॉर्डर रेशियो इसका हो रहा है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे बॉर्डर साइज हम 100 कर रहे हैं। अभी आप लोगों को रेडियस इसको आपको बढ़ाते चलना, देखिए रेडियस इस तरीके से, ये रेडियस देखिए हो गया ये रेडियस में। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांस में चलना है, मार्जिन क्या रखना है इस पर क्लिक कर देना है, और राइट साइड से कितना मार्जिन रखते हैं चाहते हैं वो यहाँ पे रखेंगे, जैसे हम 250 कर दिए, लेफ्ट साइड से हमने 250 कर दिया, तो इस तरीके से सर्च बॉक्स भी लग गया। अब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट को हम रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से सर्च बॉक्स लग गया। कोई भी यहाँ पर सर्च करेगा, जैसे कि AKTV हमने सर्च किया, तो AKTV हम जब सर्च करेंगे तो AKTV को जितने पोस्ट रहेंगे आ जाएंगे। देखिए AKTV एडमिट कार्ड करके यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को सर्च बॉक्स लगाना है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे मोबाइल के लिए अलग से डिजाइन करेंगे, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये इसके बारे में बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी रही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।